चाहे जानबूझ कर जोड़े चाहे अधूरे से, अगर रुकू ना हो तो उसकी नमाज बातिल है, उसे दोबारा नमाज अदा करनी होगी। रुकू एक महसूस हालत है नमाज के दौरान, जिसे नहायत ही खुशू और खुशू के साथ बजा लाना चाहिए। जिक्र रुकू जो मशहूर है, सुभान रब्बी अलअज़ीम व बिहम्दिही, गरचे तीन मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलने से भी रुकू सही हो जाता है, नमाज सही हो जाती है। लेकिन बेहतरीन जिक्र जिसका इंतखाब किया गया है, चूँकि इंसान अजमत खुदा के सामने इनके सारी का इजहार करता है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो यही जिक्र दोहराए, सुभान रब्बी अलअज़ीम व बिहम्दिही। अच्छा, इसका तर्जुमा क्या है सुभान रब्बी अलअज़ीम व बिहम्दिही का? सुभान यानी खुदा के औसाफ में से है। इसका मतलब यह होगा कि खुदा बंद आलम हर तरह के ऐब और नफ्स से पाक है, खुदा बेऐब है, किसी तरीके का कोई ऐब उसकी, चाहे वो सिफात फ़ेली हो, अफ़ाली हो, या सिफात ज़ाती, किसी तरीके का कोई ऐब नहीं पाया जाता। तो बेऐब है खुदा की ज़ात, रब्बी यानी मेरा परवरदिगार, जिसने मुझे पाला, जिसने मुझे बड़ा किया। फिर आखिर में इंसान कहता है अज़ीम व बिहम्द, तो खुदावंद आलम अजीम है यानी बहुत ही बुजुर्ग है, और व बिहम्द यानी इसमें जो बा है ये बाए इस्तेआनत कहा जाता है, यानी मैं खुदा के लिए ये जो कहता हूँ या खुदा की जो तारीफ करता हूँ सुभान रब्बी अलअज़ीम व बिहम्दिही की शक्ल में, ये सिर्फ और सिर्फ खुदाई की नुसरत, खुदाई की मदद की वजह से मुमकिन है। पाक और पाकिज़ा मुनज़्ज़ा है हर ऐब से वो ज़ात जिसने मुझे मेरी परवरिश की, अज़ीम है वो ज़ात, है ना, और मैं तारीफ़ करता हूँ, उसकी हम्द करता हूँ, तो उसी की मदद और नुसरत के ज़रिए से तारीफ करता हूँ। अच्छा, खुदा की किबरियाई और बुजुर्गी के मुकाबले में अपनी जिल्लत और अपनी पस्ती का एतराफ़ और इकरार करने का नाम रुकू है। खुदा बहुत ही बुलंद है, उसके मुकाबले में मेरी कोई औकात नहीं है, है ना। रुकू एक तरीके से बेहतरीन तवाज़ो है बंदे की तरफ से खुदा के मुकाबले में, यानी इससे बेहतर तवाज़ो इंसान के लिए नहीं हो सकता, जो कि हालत रुकू में इंसान बजा ला सकता है। और रुकू वो तवाज़ो है कि जिसके मुकाबले, जिसके एवज खुदा बंद आलम बंदे को बुलंदी अता करता है। हम रुकू की हालत में जाते हैं, हम अपने सर को खम करते हैं, लेकिन उसके बदले में खुदा बंद आलम बंदों को वो बुलंदियाँ अता करता है। चुनांचे रिवायत है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 82 पेज नंबर 221 जिल्द नंबर 82 बिहारुल अनवार में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से रिवायत है, जब इंसान रुकू में जाता है तो खुदावंद आलम फरिश्तों और मलाइका को आवाज़ देकर ये कहता है कि अरे मेरे मलाइका, तुम क्या देखते नहीं हो कि मेरा बंदा कैसे मेरे मुकाबले में खुशू और खुशू के साथ खड़ा हो गया है, कैसे उसने अपनी जिल्लत और पस्ती का इतराफ़ कर लिया है। अब चूंकि उसने जिल्लत और रसवाई का एतराफ़ कर लिया है, मेरी अजमत और बुजुर्गी का एतराफ़ किया है, लिहाजा है फरिश्तों मैं खुद तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं उसे वो बुलंदी अता करूँगा कि दूसरी मखलूकात उसे छू नहीं सकती, है ना, खुद ये खुदावंद आलम कहता है। अच्छा, पर रुकू का मतलब ये है कि जिसकी इबादत इंसान करता है उसके मुख
मामले में अदब भी जरूरी है। सजदा हालांकि बेहतरीन जुज है नमाज का, और रुकू और सजदे में जो छठे इमाम ने फर्क बयान किया है वो ये कि रुकू इंसान का अदब है और सजदा इंसान के लिए खुदा का क़ुर्ब है। यानी इंसान खुदा की बारगाह में पहले अदब करता है, उसकी अजमत का एतराफ करता है, तो बदले में जब वो सजदे में जाता है तो खुदा आलम उसे अपनी नज़दीकी, अपना क़ुर्ब उसे अता करता है। लिहाजा अगर चाहते हो कि खुदा से करीब हो जाओ तो अदब के साथ रुकू अंजाम दो। और रुकू के हवाले से पैगंबर भी फरमाते हैं कि चूंकि रुकू दर हकीकत सजदे के लिए मुकदमा है, हर चीज अपने माँ बाप के लिए मुकदमा है ना, तकबीरतुल इहराम क़याम के लिए, क़याम क़िराअत के लिए, हर चीज़ के लिए मरहला बा मरहला इंसान नमाज में खुदा से करीब होता है। तो पैगंबर फरमाते हैं कि वज़ू और खुशू और रुकू ये तीनों सजदे के लिए मुकदमा हैं, अगर इसमें कोई नक्स आ गया तो पूरी नमाज में नक्स है। तो लिहाजा इंसान को रुकू करते वक्त पूरे तरीके से तवज्जो करना चाहिए। अच्छा, फलसफा रुकू के हवाले से उस्ताद हुसैन अंसारियान दामा इज्जो फरमाते हैं कि रुकू का मतलब यह है कि रुकू में बंदा अपने परवरदिगार से कहता है कि ए मेरे करीम परवरदिगार, तेरे इस बंदे हकीर ने तेरे मुकाबले में सर झुका दिया है। सही, तेरे मुकाबले में तेरे इस नाचीज और हकीर बंदे ने अपने सर को झुका दिया है, तो ये बंदा अब तेरे तमाम अहकाम और कवानीन को फॉलो करने के लिए तैयार है। यानी इंसान सरेंडर होता है किसी के सामने, तो मतलब क्या है, यानी जैसे आगे वाला कहेगा वो उसे मानने के लिए तैयार है। तो इंसान सर झुकाता है तो दर हकीकत परवरदिगार की बारगाह में ये कहता है कि मैंने तेरे सामने सर झुका दिया है, सर खम कर दिया है, तो तेरे तमाम अहकामों कवानीन को कबूल करता हूँ। अगर वक्त आ जाए तो मैं अपने सर को कटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तेरे अलावा किसी और के सामने झुकाने के लिए तैयार नहीं हूँ। रुकू का असल मतलब यही है। और आखिरी बात रुकू के हवाले से फिर एक हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, कि अगर कोई बंदा रुकू को ऐसे अदा करे जैसे उसके अदा करने का हक है, कमा हक हो, यानी फर्ज करें कि रुकू के लिए जो शराइत और कवानीन बयान किए गए हैं वो तमाम शराइत को मद्देनजर रखते हुए खुशू और हुजू के साथ रुकू बजा लाता है, तो खुदा मंद आलम बदले में इंसान को एक नूर अता करता है, और वो नूर इंसान के तारीख दिल को रोशन व मुनव्वर कर देता है। ये नूर होगा जो फिर इंसान की हिदायत और रहनुमाई करता हुआ जाएगा। तो खुलासा कलाम यह है कि रुकू खुदा के मुकाबले में तवाज़ु और इंकिसारी है, बंदा अपनी आजिज़ी और नातवानी का एतराफ़ करता है और उसके मुकाबले में खुदा की अजमत और बुजुर्गी का एतराफ़ करता है। खुदा की बारगाह में दुआ है, खुदा बंदे आदम जिस तरीके से आज़ाए नमाज को, अज़ाए नमाज को, अरकान नमाज को अदा करने का हक है, उसी तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए।